दिखाने से पहले दिखाने वाली न्यूज़रील नहीं है। हम भारतीय पीछे रह गए, यह हमारी हार है। ये कोई धार्मिक सभा या सांस्कृतिक कार्यक्रम या किसी राजनीतिक पार्टी की विशेष सभा नहीं है। इस देश के हर नागरिक के दिल को छूने वाली सभा है। 57 साल हो गए स्वतंत्र हुए। 100 करोड़ जनसंख्या, 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल और उसमें आधे से ज्यादा खेती बाड़ी, 10 महान बहती हुई नदियां, फिर भी हम प्यासे। 1.5 लाख बड़े उद्योग होते हुए भी भारत की अर्थव्यवस्था 49वें स्थान पर है। 1 रुपए की वैल्यू सिर्फ 44 पैसे है। सफाई के हिसाब से 20वां स्थान है हमारा। एड्स में 2रा स्थान है हमारा। गंदगी में 3रा स्थान। क्यों क्यों आप ऐसे कोई बता सकता है? बोलो। अच्छे प्रधानमंत्री नहीं मिले, अच्छे मुख्यमंत्री नहीं मिले, अच्छे मंत्री भी नहीं मिले सर, अच्छे अधिकारी नहीं है जनाब, अच्छे पुलिस वाले नहीं है सर। आप इस तरह अच्छे लोग ना मिलने की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हम में से कितने अच्छे भारतीय नागरिक है? हम में से कितने लोग अपना कर्तव्य ठीक से निभाते हैं? क्रिकेट टीम में सिर्फ एक अच्छा कैप्टन हो तो जीत नहीं सकते। 11 खिलाड़ी ठीक से खेलेंगे तभी जीत हमारी होगी। उसमें से एक खिलाड़ी भी अगर कमजोर होता है तो हम सबको कितना गुस्सा आता है। 100 करोड़ लोगों की एकता से ही भारत बनता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी, आप, हम सब आम आदमी ही तो हैं। हर कोई अपना कर्तव्य ठीक से निभाएगा तभी ये देश आगे बढ़ेगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं ये देखिए। ये हमारे शहर का आम आदमी है, ये अपना पूरा दिन कैसे बिताता है देखिए। कभी बर्तन धोती है वो खर्च के लिए तुम्हें पैसे देते हैं। छीन लेता हूँ। तुम्हें काम देंगे तो करोगे। अभी मैं ड्यूटी पे दो, इतनी बातें करके मुझे टायर्ड कर दिया, फिर से रेस्ट करना पड़ेगा मुझे। इसके साथ हमें क्या करना चाहिए बोलो। ऐसे काम करो कि हमारे देश को जरूरत है, इसको सबसे जरूरी चाहिए। सारे मिलकर काम, वही तो मैंने भी किया है।